हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज मैं बनाने वाली हूँ ऐसी रेसिपी जो हर किसी को पसंद आती है और बहुत ही फटाफट बन जाती है। ये 2 मिनट्स मैगी नहीं है, लेकिन 2 मिनट्स मैगी से भी ज्यादा अच्छी है। इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं बहुत ही ज्यादा सिंपल है और इसका जो टेस्ट है मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना टेस्टी होता है। तो आज हम बनाने वाले हैं नेपाल की बहुत ही ज्यादा फेमस नूडल्स रेसिपी। हमने यहाँ पे वेज हाका नूडल्स लिया है। मैं यहाँ पे पूरा पैकेट का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे आधा पैकेट ही इस्तेमाल किया है। तो इसे मैं पानी में डाल दूंगी। यहाँ पे पानी की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे ताकि हाका नूडल्स चिपके नहीं, और 2 चुटकी भर नमक डाल देंगे। अब इसे हमें उबाल के तैयार करना है। यहाँ पे हाका नूडल्स अच्छे से उबल चुके हैं, हमें यहाँ पे इसे बहुत ही ओवर बॉइल नहीं करना है। तो आंच को हम यहाँ पे बंद कर देंगे और नूडल्स का जो पानी है वो हम हटा देंगे और नूडल्स को प्लेट में हम फैला देंगे ताकि ठंडा हो जाए। अब कढ़ाई में हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है और आंच को हमें यहाँ पे धीमा और मध्यम के बीच में ही रखना है। अब इसमें 6 से 7 कटे हुए लहसुन डालने हैं, ये बारीक कटे हुए लहसुन है, इसे हम मिला लेंगे। साथ ही साथ में अब 1/2 इंच बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे, इसे भी हमें मिला लेना है। हमें यहाँ पे करीबन 1/2 मिनट तक इसे चलाना है। हमें यहाँ पे लहसुन को ना सुनहरी करना है ना ब्राउन करना है, बस इसे थोड़े 1/2 मिनट के लिए ही हमें चलाना है। 3 कटी हुई बारीक हरी मिर्च, ये हल्की सी तीखी है, मिर्ची को भी हमें यहाँ पे कुछ ही सेकेंड के लिए चलाना है। 1 सफ़ेद मध्यम आकार का प्याज, अगर सफ़ेद प्याज नहीं है तो आप लाल प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमें यहाँ पे प्याज को चलाते रहना है, हमें यहाँ पे प्याज को ट्रांसलूसेंट करना है, यानी कि पारदर्शी होना चाहिए थोड़ा सा, इसे हमें सुनहरी नहीं करना है। प्याज यहाँ पे पारदर्शी हो चुका है। इसमें अब हम थोड़ा सा गाजर डालेंगे। यहाँ पे मैंने गाजर लंबे काट लिए हैं और पतले से हैं थोड़े। हमें यहाँ पे गाजर को कुछ सेकेंड के लिए चलाना है, अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें हम डालने वाले हैं थोड़ा सा कटा हुआ पत्ता गोभी, तो इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे हमें करीबन 1/2 मिनट के लिए इसे चलाते रहना है। आंच को यहाँ पे हमें मध्यम रखना है। तो हमने यहाँ पे अच्छे से इसे सौते कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 मध्यम आकार का लंबा कटा हुआ शिमला मिर्च। हम यहाँ पे शिमला मिर्ची आखिर में डाल रहे हैं, क्योंकि शिमला मिर्ची अगर पहले डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मुलायम से हो जाएंगे। हमें यहाँ पे सब्जियों में क्रंच रखना है, बहुत ही ज़्यादा मुलायम सा नहीं करना है। शिमला मिर्ची को हम यहाँ पे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके अंदर डालने वाले हैं हम लंबे कटे हुए टमाटर, ये मध्यम साइज के हैं, और इसमें जो बीज है वो मैंने निकाल दिया है। बस हमें यहाँ पे टमाटर को अच्छे से मिला लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे मिला लिया है। यहाँ पे 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम हम हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची ऑलरेडी डाल दी है तो मैं कोई तीखी मिर्ची नहीं डालने वाली हूँ। तो अब हम यहाँ पे अच्छे से इसे मिला लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे मिला लिया है, लेकिन एक जो खास चीज़ है वो मैं यहाँ पे डालना भूल गई हूँ, वो है गरम मसाला। तो यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालूंगी, ये बहुत ही मस्त है। अब इसमें हम डालने वाले हैं नमक, तो हम यहाँ पे अच्छे से इसे मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम डालने वाले हैं गर्म पानी, मैं यहाँ पे ठंडा पानी का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। हमें यहाँ पे पानी की मात्रा उतनी डालनी है कि सब्जियाँ अच्छे से डूब जाएं, और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें नूडल्स भी डालना है इसके अंदर, तो पानी सफिशेंट होना चाहिए। अब इसके अंदर हम डालने वाले हैं 1 चम्मच सोया सॉस, इसे मिला लेंगे। मैं यहाँ पे ज़रा टेस्ट करके देख लेती हूँ। हल्का सा नमक कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा नमक और डाल दूंगी ऊपर से। इसके अंदर मैं अजीनोमोटो का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, वैसे भी उसकी ज़रूरत होती नहीं है, बिना अजीनोमोटो के भी बहुत ही अच्छे बन जाते हैं ये नूडल्स। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगी कि जो सब्जियाँ हैं अभी भी कुरकुरी है, एकदम सॉफ्ट नहीं हुई है, लटकी हुई नहीं है। मैंने यहाँ पे सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाया नहीं था, क्योंकि जब हम इसमें पानी डालेंगे तो सब्जियाँ वैसे भी और बॉयल होगी। आंच को मैं यहाँ पे मध्यम ही रखूंगी, इससे पहले कि इसमें उबाल आना शुरू हो जाए। मैं यहाँ पे जो नूडल्स हमने तैयार किया था साइड में वो मैं डाल दूंगी। नूडल्स को मैंने बहुत ही ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया था, अगर मैं ओवर कुक करती और अभी डालती तो ये बहुत ही ज़्यादा मैशी सा हो जाता। नूडल्स हमने यहाँ पे डाल दिया है, अच्छे से हम मिला लेंगे और मध्यम आँच पर इसे हमें एक उबाल आने तक का इंतज़ार करना है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब आखिरी में डालने वाले हैं यहाँ पे विनेगर, तो 1 टीस्पून विनेगर डालने वाली हूँ मैं, इसे हम मिला लेंगे। तो अब इसके हम कर लेते हैं प्लेटिंग। और जो खास चीज जो आखिरी में डाली जाती है वो है धनिया। बिना धनिया के नेपाली नूडल्स इनकम्प्लीट है।
तो मैं धनिया से इसे सजा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे गर्मा गर्म नेपाली नूडल्स को टेस्ट कर लेती हूँ। वाओ, इसका जो टेस्ट है बहुत ही अलग सा आ रहा है, एकदम अद्भुत है, माइंड ब्लोइंग है। जिन्हें नूडल्स पसंद है उनको तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। इसमें मैगी मेकर्स डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की नेपाली नूडल्स की रेसिपी पसंद आई होगी। आप जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा और बरसात के मौसम में इसका लुत्फ उठाइएगा। जय हिंद, जय भारत।